अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली बनाया गया है, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी दृष्टि आईएएस जब भी आर्टिकल कोई लिखता है तो बहुत विस्तार से लगता है और बड़े सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैप से स्थिति देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत। और आप जानते हैं कि 1911 में घोषणा की गई थी दिल्ली को नई राजधानी बनाने की, और 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भी पहुंच चुकी थी। तो ये है आपका दिल्ली। यहाँ आप देखेंगे कि मतलब विधानसभा सीटें आपको 70 देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 7 देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में, अभी कुछ भी कहिए आप लोग। और आप जानते हैं कि अभी रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, आप लोग दिल्ली टॉप पर है, आप कहिए एक तरह से बेहतर स्थिति में आपको जान रहे हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पूरा विपक्ष उतर चुका था रोड पर, हमारे होम मिनिस्टर साहब भी रास्ते रास्ते जाके पूरे, आप मुख्यमंत्रियों को देखिए अन्य राज्यों के, आप देखिए लोकसभा सदस्यों को देखिए, फिर भी दिल्ली में आप सोचिए अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाया कोई, क्योंकि उसने काम किया था और जनता ने इस बार काम के नाम पर वोट दिए थे। ये अलग बात है कि आप अगर किसी पार्टी से जुड़े तो शायद आपको खामियां दिखें उसमें, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 पर सार्वजनिक परामर्श लिया जा रहा है। गौरतलब है कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 अगले 2 दशकों के लिए शहर के विकास का एक विजन डॉक्यूमेंट है। ध्यातव्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्तमान मास्टर प्लान 2021 अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली के विकास के लिए पहला मास्टर प्लान 1 सितंबर 1962 वर्ष 1981 के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा मास्टर प्लान देखेंगे तो 1 अगस्त 1990 को जारी किया गया था। इस मसौदे में कई विशेषताएं हैं, परंतु इसमें जल स्रोतों और उसके आसपास की भूमि पर विशेष ध्यान भी देकर शहरों को नया आकार देने की बात भी कही गई है। मसौदे में जल स्रोतों को और उसके आसपास की भूमि से जुड़ी इस नीति को ग्रीन ब्लू पॉलिसी भी कहा गया है। डीडी यानी कि जो आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अनुसार नए मास्टर प्लान के अंतर्निहित मुख्य सिद्धांत स्थिरता, समावेशिता और निष्पक्षता है। आखिर क्या है ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर? एक बात आप लोगों ने देखी होगी, मैंने मैंने तो अपनी जिंदगी में, आप लोगों का तो पता नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा नेता देखा है जो कहता था कि मैंने अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। आपने देखा होगा इंटरव्यू में उसने साफ यही कहा था। अन्य राज्यों के सीएमओ को देखिए तो वो 5 साल रहने के बाद कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं इतना काम कर दूंगा आने वाले समय में, लेकिन उसने कहा था कि मैंने अगर किया मैंने काम तभी मुझे वोट दो वरना ना दो। ऐसा मैंने नाम तो कभी सुना ही नहीं होगा कि मत दो मुझे वोट अगर मैंने काम नहीं किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। नीली अवसंरचना या ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर सियासी नदियों, नहरों, तालाबों, वेटलैंड्स, बाढ़ और जल उपचार केंद्रों जैसे जल निकायों से है इसका मतलब। ठीक है, वही पेड़, लॉन, झाड़ियों, पार्क, खेत, जंगल आदि को हरी अवसंरचना या फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। यह शहरी नियोजन की एक अवधारणा है जहां जल निकाय, भूमि, अन्योन्याश्रित होते हैं तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ उपलब्ध कराते हुए एक दूसरे की सहायता से भी की सहायता से विकसित होते हैं। कार्य योजना की बात करें तो डीडीए द्वारा इसके पहले चरण के तहत एजेंसियों की बहुलता जैसे दिल्ली जल बोर्ड, बाढ़ और सिंचाई विभाग, नगर निगम आदि की समस्या से निपटने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत डीडीए द्वारा पहले क्षेत्र अधिकार से जुड़े मुद्दों पर, नालियों, उसके आसपास के क्षेत्रों पर विभिन्न एजेंसियां द्वारा किए जा रहे काम पर जानकारी जुटाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके पश्चात एक व्यापक नीति तैयार की जाएगी जो सभी एजेंसियों के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में काम भी करेगी। उदाहरण के लिए वर्तमान में दिल्ली में लगभग 550 बड़े नाले हैं जिनका प्रबंधन अलग अलग एजेंसी द्वारा किया जाता है। इनकी खराब स्थिति और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण इनके आसपास की भूमि भी प्रभावित होती है। डीडीए द्वारा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इन्हें एकीकृत किया जाएगा और अनुपचारित अपशिष्ट जल की स्रोत की जांच कर इन्हें प्रदूषण मुक्त किया जाएगा इसे। ठीक है, विकास के अन्य प्रयासों की बात करें तो वर्तमान योजना के अनुसार इन
इन क्षेत्रों में योग, खेल, साइकिल चलाने, पैदल चलने की सुविधा, नौका विहार की सुविधा आदि के विकास का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में संग्रहालय, सूचना केंद्र, खुले थिएटर, ग्रीन हाउस, सामुदायिक सब्जी उद्यान, रेस्तरां आदि के विकास को इस परियोजना के हिस्से के रूप में प्रोत्साहन किया जा रहा है। डीडीए के अनुसार सार्वजनिक पहुंच की सीमा, वनस्पति का प्रकार, जल प्रबंधन आदि का निर्धारण अलग अलग मामलों के आधार पर और वैज्ञानिक आकलन के माध्यम से किया जाएगा। इसके पश्चात एकीकृत गलियारों के आसपास रियल एस्टेट का विकास भी किया जाएगा। इसके लाभ की अगर बात करें तो डीडीए इस प्रयास के माध्यम से अलग अलग निकायों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। जल निकास, बेहतर प्रबंधन और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने जैसे प्रयास संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चुनौती क्या क्या होंगी? डीडीए के लिए विभिन्न निकायों, दिल्ली जल बोर्ड, नगर निगम आदि आदि को इस परियोजना में हितधारकों के रूप में साथ लाना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर जब डीडीए के पास इन निकायों के रूप में कोई पर्यवेक्षी शक्ति नहीं है। लंबे समय से खराब प्रबंधन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के कारण डीडीए के लिए नालों और अन्य जल निकायों की सफाई भी एक जटिल चुनौती होगी। इससे पहले भी डीडीए द्वारा यमुना नदी में कचरा पाटने की निगरानी के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन किया जा गया था, परंतु यह योजना सफल नहीं हो सकी थी। आगे की राय क्या हो सकती है? राष्ट्रीय राजधानी के विकास हेतु विभिन्न निकायों के बीच समन्वय बढ़ाना बहुत अधिक आवश्यक होगा। अपशिष्ट जल में प्रदूषण स्तर की जांच और कचरे के प्रबंधन हेतु आधुनिक तकनीकों जैसे सेंसर, ड्रोन, कैमरे, सैटेलाइट आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना जाना चाहिए। और जल प्रदूषण और सतत विकास की अन्य चुनौतियों के संदर्भ में जन जागरूकता पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात करें डीडीए की, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत 1957 में ही की गई थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो दिल्ली के विकास हेतु एक मास्टर प्लान तैयार करना, इसके अनुरूप विकास को बढ़ावा देना, भवन इंजीनियरिंग, खनन और अन्य कार्यों को पूरा करना, भूमि और अन्य संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और प्रबंधन और निपटान आदि इसके उद्देश्य हैं। तो ये था आपका डीडीए, ठीक है, जो दिल्ली नया प्लान है उसी के बारे में। याद रखिए, आप लोगों को लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ नहीं होता है, मुझे इस समय लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ही सबसे अच्छी, एक तरह से देश को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे बढ़ाने में या परिवार की स्थिति सुधारने में योगदान कर सकता है। और मुझे लगता है इस समय अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया तो आपसे बुरी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके बच्चे सक्सेस हो गए तो मुझे लगता है कि नाम रहेगा, वरना कोई नहीं पूछने वाला है 10 से 20 साल, 50 साल वाला लटकने के बाद। तो इसलिए सबसे अच्छा जोर दीजिए बच्चों को पढ़ाने पर, ठीक है, और अंधभक्ति छोड़कर।